मोस्ट वेलकम दिस सेशन ऑफ पर्सनालिटी टू डिविशनल डिस्कस कार्ल जुंग्स एनालिटिकल थ्योरी और जुंग्स एनालिटिकल साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल जुंग के विश्लेषणात्मक सिद्धांत या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के विषय में। यह हम डिस्कस करेंगे सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कि ह्यूमन पर्सनालिटी कैसे स्ट्रक्ट होती है, कौन कौन से कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करते हैं। या हम डिस्कस करेंगे आर्किटाइप को, पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शैडो एंड सेल्फ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आपका NTNET JRF का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पर्सनालिटी सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहेगी। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CG जुंग। कार्ल जुंग का जो लाइफ स्पॉन पीरियड है 1875 to 1961, बाजी क्लोज एसोसिएट ऑफ सिगमंड फ्राइड एंड वर्क विद हिम अप टू 1912। सिगमंड फ्राइड के बहुत क्लोज एसोसिएट थे कौन? कार्ल जुंग और एडलर। ठीक है, इन्होंने 1912 तक सिगमंड फ्राइड के साथ में वर्क किया है, कार्य किया है। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित संस्था थी इंटरनेशनल साइको एनालिटिकल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट बने 1910 में, क्यों? सिगमंड फ्राइड की क्लोज एसोसिएट थे और उनके साथ में मेजर वर्क किया था, इस वजह से इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन इन 1910। आफ्टर 1912 पर्सनल रिलेशन ऑफ फ्राइड एंड जुंग्स बिगेन टू कूल डाउन एंड फाइनली सेपरेटेड। 1912 के बाद में सिगमंड फ्राइड और जुंग के रिश्तों में खटास आ गई और 1912 में फाइनली अलग हो गए। ठीक है, तो इनके विचार सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से नहीं मिलते थे, क्यों? सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी में पर्सनालिटी का सेंटर माना था लिबिडो को, सेक्स को या सेक्स एनर्जी को, और जुंग उनके इस कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं हुए और इन्होंने अपना खुद का सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी डेवलप किया जिसको कहा जाता है एनालिटिकल साइकोलॉजी, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, तो यहाँ जुंग ने क्या किया? जुंग ने रिजेक्टेड लिबिडो, ठीक है, एज द ओनली ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ। जुंग ने सिगमंड फ्राइड के लिबिडो को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने लिबिडो टर्म को रिजेक्ट नहीं किया, जो सिगमंड फ्राइड के लिबिडो का मीनिंग था उस मीनिंग को रिजेक्ट किया और इन्होंने माना कि लिबिडो या सेक्स ही किसी की लाइफ का, पर्सनालिटी का मेजर रोल, मेजर कंपोनेंट नहीं हो सकता है। इन्होंने लिबिडो को साइकिक एनर्जी माना और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जनरल लाइफ एनर्जी और नैरोअर लाइफ एनर्जी। ठीक है, बिसाइड सेक्सुअलिटी लिबिडो आल्सो इंक्लूड्स अदर स्ट्राइविंग फॉर प्लेजर एंड क्रिएटिविटी। इन्होंने कहा था सेक्सुअलिटी को छोड़ने के बाद भी लिबिडो सोसाइटी में और भी बे होते हैं जिसके थ्रू हमको आनंद की प्राप्ति होती है, उसकी तरफ हमको प्लेस करती है, उसकी तरफ हमको फोर्स करती है। इसके साथ साथ में हम कुछ क्रिएटिव वर्क भी करते हैं लिबिडो के थ्रू, साइकिक एनर्जी के थ्रू या मनो ऊर्जा के थ्रू। अब हम यहाँ बात करते हैं सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का तंत्र या संरचना। पर्सनालिटी कैसे स्ट्रक्ट होती है, कौन कौन से कंपोनेंट एलिमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को फ्रेम करते हैं। आपने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को पढ़ा था जहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में बात की थी। उन्होंने दो टाइप बताए थे, एक आपका टोपोग्राफिकल मॉडल था जहाँ पर उन्होंने ह्यूमन माइंड को आइसबर्ग के साथ में कंपेयर किया था और जहाँ पर उन्होंने दिया था कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन के विचार, जो कि जुंग के द्वारा भी दिए गए हैं। इन्होंने भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो एलिमेंट्स दिए हैं, पहला है आपका कॉन्शियसनेस एंड ईगो, चेतन और अहम, दूसरा है आपका अनकॉन्शियस, अचेतन, तीसरा आपका आर्केटाइप, आदि रूप,
चौथा है आपका एटीट्यूड एंड फंक्शंस, मनोवृत्ति एवं प्रकार, ठीक है। और लास्ट है इनका मनोवैज्ञानिक प्रकार, जिसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल टाइप, ठीक है। तो इन्होंने पांच एलिमेंट्स बताए हैं अपनी पर्सनालिटी में, या पर्सनालिटी जो स्ट्रक्ट होती है इन एलिमेंट्स से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कॉन्शियसनेस एंड ईगो। देखो सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा था, जो कॉन्शियसनेस, चेतन मन कौन सा होता है, जो करंट टाइम में हमारी थिंकिंग, परसेप्शन, फीलिंग, रिमेम्बर, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, भावनाएं और रिमेम्बरिंग या स्मरण करना, वो क्रियाएं जो हमारे चेतन मन में होती हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्शियस ईगो इज जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो गिवन बाय सिगमंड फ्रायड। तो इनका भी जो चेतन और अहम है सेम सिगमंड फ्रायड के कॉन्सेप्ट की तरह है। इट इज इन फैक्ट, ये वास्तव में वह तथ्य है इन सेंस ऑफ बीइंग विच इंक्लूड कॉन्शियस एस्पेक्ट, जो हमको बताता है कि हमारे चेतन, हमारे वर्तमान, हमारे करंट टाइम में हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, जैसे थिंकिंग, चिंतन हो जाता है, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, फीलिंग, भावनाएं, रिमेम्बरिंग, स्मरण करना, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बात की थी किसकी, चेतन मन की, ठीक है। पहला इनका है चेतन मन और ईगो, पहला है आपका चेतन मन और ईगो, ठीक है। तो यहाँ पर चेतन मन और ईगो का इन्होंने बताया था कि चेतन मन क्या होता है हमारा। तो चेतन मन आपको बताते हैं, देखो चेतन मन क्या होता है, यहाँ पर जो आपके जंग हैं इन्होंने भी माइंड को टू पार्ट में डिवाइड किया है, और सिगमंड फ्रायड ने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था। इन्होंने किया है कॉन्शियस चेतन और अनकॉन्शियस अचेतन मन, ठीक है। तो चेतन मन आपका वो मन होता है जिसमें इमीडिएट अवेयरनेस, तात्कालिक अनुभूतियाँ या एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द प्रेजेंट, जो हमारे वर्तमान समय से संबंधित होते हैं, या प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग हमको जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, या वो अवेयरनेस जिसके थ्रू हम डेली रूटीन के नॉर्मल एक्टिविटी को कंपाइल करते हैं या कार्य करते हैं, इसको कॉन्शियसनेस कहा जाता है। और कॉन्शियसनेस डायरेक्टली ईगो के साथ में रिलेट होती है। ईगो हमारा वर्तमान बिहेवियर होता है, प्रेजेंट बिहेवियर होता है, कैसे हमको किसी के सामने रिएक्ट करना है, कैसे हमको बिहेव करना है। जो वर्तमान व्यवहार होता है वो ईगो के द्वारा गवर्न होता है, डायरेक्टेड होता है। कोई भी मानसिक सामग्री होती है या कोई भी आपकी साइकिक मटेरियल होता है जिसका ज्ञान ईगो के द्वारा हो, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे यहाँ पर कॉन्शियसनेस या चेतन मन, ठीक है। और अनकॉन्शियस क्या होता है, जिस सामग्री को या जिस सामग्री का ज्ञान या जो मेंटल जो हमारे मटेरियल है या साइकिक मटेरियल है ईगो के द्वारा हमका उनका ज्ञान नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो हमारे होते अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस का मतलब जो हमारी चेतना में है, जो हमारे मस्तिष्क में है, जो वर्तमान समय में अनुभूतियां चल रही होती हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या बताया था इन्होंने, कॉन्शियसनेस एंड ईगो। नेक्स्ट है इनका अनकॉन्शियसनेस अचेतन मन। अब यहाँ पर इन्होंने अचेतन मन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया है सिगमंड फ्रायड की तरह ही, ठीक है। अब इन्होंने जो अचेतन मन है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला है इनका पर्सनल अनकॉन्शियस व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा कलेक्टिव अनकॉन्शियस या सामूहिक अचेतन। अब अचेतन की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अचेतन वाला कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है, अचेतन में इन्होंने क्या बताया, देखो यंग के अनुसार ये हमारे ह्यूमन माइंड का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें वो सभी हमारे मेंटल और साइकिक प्रोसेस या मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो ईगो से संबंधित नहीं होती हैं। कहने का मतलब जो हमारे वर्तमान काल से या प्रेजेंट टाइम से या करंट टाइम से संबंधित नहीं होती हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने दो टाइप के मटेरियल बताए हैं, दो टाइप के साइकिक मटेरियल बताए हैं, मानसिक सामग्रियाँ। एक वो जो हमारे अचेतन मन में, ठीक है, जो हमारे अचेतन मन में आने से पहले हमारे चेतन मन में थी, मतलब वो सामग्रियाँ जो कभी हमारे वर्तमान समय में थी, हमारे चेतन अवस्था में थी, उसके बाद में हमने उनको रिप्लेस कर दिया, सप्रेस कर दिया या उनका दमन कर दिया,
और कुछ इन्होंने बताए ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे कभी वर्तमान में होता ही नहीं है और वो हमारे अचेतन मन में होता है जिसको हम एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया है यहाँ पर पहला पर्सनल अनकॉन्सियसनेस। ठीक है, तो व्यक्तिगत अचेतन का मतलब है यहाँ पर इट कंसिस्ट रिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया ह्यूमन माइंड की सबसे ऊपरी लेयर होती है। ठीक है, ह्यूमन माइंड की सबसे ऊपरी लेयर होती है अनकॉन्सियस माइंड, जिसके अंदर जाया जा सकता है, जिसको एक्सेस किया जा सकता है या जो आपकी एक्सेसिबल है। ठीक है, यहाँ पर जो कंटेंट है, जो साइकिक मटेरियल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली और ऊपरी परत है जिसमें हम रिप्रेस और सप्रेस करते हैं, अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। कौन सी इच्छाओं का? अनफुलफिल्ड डिज़ायर, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कुछ हमारी अनप्लीजेंट मेमोरी, दुखद यादें जिनको हम याद करना नहीं चाहते, या हमारे कोई भूली बिसरी यादें हो सकती हैं यहाँ पर। तो क्या क्या होती हैं? अनफुलफिल्ड डिज़ायर, दमित इच्छाएं, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हमारे बाल्यावस्था की कुछ इच्छाएं या अनुभव जो हमको दर्द देते हैं, जो हमको दुख देते हैं, या भूली बिसरी यादें सम्मिलित होती हैं। तो व्यक्तिगत अचेतन अनकॉन्सियस, ठीक है, या पर्सनल अनकॉन्सियस इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है। इसका नेचर क्या होता है? इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। ये व्यक्तिगत होता है, प्रत्येक व्यक्ति में अपने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका अलग सोचने का ढंग होता है, हर कुछ यूनिक होता है। तो व्यक्तिगत अचेतन या अनकॉन्सियसनेस, जो हमारा पर्सनल अनकॉन्सियसनेस है, उसकी कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिसका कि प्रत्यक्षण किया जा सकता है, या जिसको ईजिली परसीव किया जा सकता है, या जिनको ईजिली एक्सेसिबल किया जा सकता है, या रिकॉल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत अचेतन या हमारा अनकॉन्सियसनेस, ठीक है, कौन सा? पर्सनल में कुछ कंटेंट या कुछ साइकिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है मनोग्रंथि या कॉम्प्लेक्स, और इसको असिस्ट करने के लिए जुंग ने बर्ड एसोसिएशन टेस्ट के द्वारा जाना। ठीक है, और इन्होंने मनोवृत्तियों से क्या मतलब निकाला है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स क्या है, हमारे इमोशंस, हमारे मेमोरीज, हमारे परसेप्शन, हमारी डिज़ायर, जिसका एक कॉमन थीम होता है, उसको इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, कॉम्प्लेक्स कहा है। तो पहला क्या हो गया, हमारा पर्सनल कॉन्शियसनेस। अब अगला इन्होंने बताया दूसरा कंपोनेंट अनकॉन्शियस माइंड में ही, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पर्सनल वाला, इसमें जो एक्सपीरियंस हैं आपकी, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। आपने अपनी लाइफ के किसी स्टेज पर उन एक्सपीरियंसेस को अपने चेतन मन, अपने करंट, अपने वर्तमान में देखा है। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है कलेक्टिव अनकॉन्सियस की, ठीक है, सामूहिक अचेतन की। ये जो हमारा जुंग महोदय हैं, इनका बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड कंट्रोवर्सियल कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रत्यय है, और इसको इन्होंने क्या माना है, ये मन का वह सबसे गहरा भाग होता है, डीपेस्ट एंड अनएक्सेसिबल, सबसे गहरा और वो भाग जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है, जिसके अंदर जो मटेरियल है उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है, मतलब अंदर नहीं जाया जा सकता है। तो क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड कंट्रोवर्सियल कॉन्सेप्ट ऑफ जुंग्स एनालिटिकल साइकोलॉजी। जुंग के विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रकरण है, कौन सा? कलेक्टिव अनकॉन्सियसनेस, सामूहिक अचेतन। और देखो यहाँ पर क्या था, इसका नेचर था इंडिविजुअलिस्टिक, किसका? पर्सनल का। अब कलेक्टिव का क्या है, यहाँ पर है प्रिमिटिव, ये आपका इंडिविजुअल नहीं है, प्रिमिटिव है, मतलब पहले से चला आ रहा है, पहले से स्टोर होता आ रहा है, वो आपकी सोसाइटी हो सकती है, वो आपका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। ठीक है, कंपोस्ट ऑफ मटेरियल, उन मटेरियल से बनता है, कौन से मटेरियल? साइकिक मटेरियल या मेंटल मटेरियल, विच हैज़ बीन नेवर कॉन्शियस, जो कभी भी हमारे अचेतन मन में थे नहीं, मतलब हमने कभी भी इन एक्सपीरियंसेस को गेन नहीं किया है, इट इज़ इम्पर्सनल, ये हमारे व्यक्तिगत नहीं होते हैं।
इस सोसाइटी के होते हैं, हमारे एंसेस्टर के होते हैं, हमारे पूर्वजों के होते हैं, हमारे फैमिली के होते हैं, और ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। इट कंटेन्स ऑल गुड एंड बैड, इसके अंदर आपकी अच्छी बुरी, लो और लॉफ्टी, ऊंच नीच, सभी प्रकार की यहाँ पर जो कंटेंट होते हैं, जो साइकिक मटेरियल होते हैं, वो इंक्लूड रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द जंग, जंग के अनुसार कलेक्टिव अनकॉन्सियस, जो हमारा सामूहिक अचेतन है, वो हमारे पूरे सिस्टम को गवर्न करता है, मैनेज करता है, और पर्सनालिटी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो कलेक्टिव अनकॉन्सियसनेस क्या है, यहाँ पर एक बार फिर समझ लेंगे। मन का वह सबसे गहरा भाग, वह डीपेस्ट पार्ट, जो अनएक्सेसिबल है, जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है, जैसे पर्सनल कॉन्शियसनेस था, अनकॉन्शियसनेस आपका, वहाँ पर हमारी अनुभूतियाँ थी, वो क्या थी, पर्सनल थी। अब यहाँ पर क्या है, उसी तरह जो हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, यहाँ पर सभी प्रकार की जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सामूहिक अचेतन से में या अनकॉन्शियस कलेक्टिव में पूरे मानव जाति, हमारे सोसाइटी के होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमको अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे परिवार के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। जैसे क्या, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ बातें दोहराती हैं, जैसे आपने देखा होगा पूर्वजों में, हम बात करें ईश्वर की, माँ की, सूर्य की, पानी की, पृथ्वी की, प्रत्येक कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे विचार बने हुए हैं, फ्रेम हुए हैं, थॉट बने हुए हैं। क्या, माँ का नाम लेने पर आपको पता लगता है कि माँ ममता, त्याग, बलिदान की मूर्त है। ठीक है, दूसरा, जब हम बात करते हैं सूर्य की, आपको मालूम है कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है, और सूर्य को हम किए प्रार्थना पूजा भी करते हैं। ये पूजा करते हैं, फर्स्ट टाइम आपने अपने सोसाइटी से तो गेन किया था, आपका पर्सनल तो एक्सपीरियंस था नहीं, यहाँ पर आपने अपने आसपास में देखे होंगे, अपने फैमिली में देखे होंगे, या जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे होंगे, तो ये हमको सोसाइटी, समाज से प्राप्त होता है, हमारा पर्सनल नहीं होता है। या पानी के बारे में, पृथ्वी के बारे में हमारे जो विचारधाराएं हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो सोसाइटी से होते हैं। तो जो सामूहिक अचेतन आपका होता है, कलेक्टिव अनकॉन्सियसनेस, इसके जो कंटेंट होते हैं वो डोरमेंट नहीं होते हैं, मतलब निष्क्रिय नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, हमको हमारे व्यक्ति के जो इमोशंस होते हैं, संवेग, उनकी जो थिंकिंग होती है, उनकी एक्टिविटीज होती, उनको प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक टाइप के व्यक्ति में तरह तरह के धार्मिक विश्वास, रिलीजियस भेद, पौराणिक कथाएं, मिथ्स और दंत कथाएं, लीजेंड्स आदि का जो स्रोत होता है, जो सोर्स होता है, वो क्या होता है, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस ही होता है, या सामूहिक अचेतन होता है। क्यों, क्योंकि ये दंत कथाएं, आपके पुराण, आपकी इच्छाएं, आपकी धार्मिक विश्वास, ये सब आपको, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया डायरेक्टली, आपके पूर्वजों ने किया है, आपकी सोसाइटी ने किया है, आपके पुराणों ने किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक युंग ने कॉन्सेप्ट भी दिया था, कभी कभी हम एक ऐसा स्वप्न देखते हैं, ठीक है, कभी कभी हम एक ऐसा स्वप्न देखते हैं, एक ऐसा ड्रीम देखते हैं जिसका मीनिंग ही हमको समझ नहीं आता है। कभी कभी हम ऐसा ड्रीम देखते हैं जिसका मीनिंग हमको समझ नहीं आता है, और वो जो स्वप्न होता है पूरे मानव जाति के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, या आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे स्वप्न को, ऐसे ड्रीम को उन्होंने नाम दिया है बिग ड्रीम, बड़ा स्वप्न। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, अनकॉन्शियस। तीसरा है आपका आर्केटाइप, जिसको हम बोलते हैं आदि रूप। ठीक है, आर्केटाइप और आदि रूप की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर है द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज मेड ऑफ यूनिवर्सल आइडियाज, ठीक है, थॉट फॉर्म्स विच आर कॉल्ड आर्केटाइप। द आर्केटाइप ऑफ मदर इज ए यूनिवर्सल आइडिया विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ गई है आर्केटाइप। तो सामूहिक अचेतन में ही जो हमारा कौन सा कलेक्टिव अनकॉन्सियसनेस, ठीक है, इसी को यहाँ पर युंग ने मेन बताया है, तो इसी की बात हो रही है, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्सियस में, सामूहिक अचेतन में संचित या पहले से स्टोर कुछ हमारे पौराणिक अनुभूतियाँ होती हैं, एंशियंट एक्सपीरियंसेस या माइथोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस की अभिव्यक्ति के द्वारा
कुछ इमेजेस फॉर्म होती हैं। वो इमेजेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में सोचकर आपके मानसिक पटल पर आपके माइंड में कुछ इमेजेस आती हैं, उन्हीं को कहा जाता है आर्किटाइप या आदि रूप। इसे यूंग ने और भी नामों से जाना है, सामूहिक संकेत जिसको कहा जाता है कलेक्टिव सिंबल्स, आदिकालीन संकेत प्रीमोरिडियल इमेजेस, पौराणिक संकेत माइथोलॉजिकल इमेजेस आदि के नाम से भी जाना है। या इन्होंने कहा है जो आदि रूप है, आर्किटाइप है, एक मनोग्रंथि के समान है, एक कॉम्प्लेक्स के समान है। इससे संबंधित जो प्रतिमाएं हमारे माइंड में आती हैं उनका संबंध पाया जाता है, या कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर आर्किटाइप की, एक माँ का जो हमारी माता का या माँ का आदि रूप है, जब हम माता के बारे में सोचते हैं तो अपने आप आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो अभी आपको बताया गया था, माँ बलिदान की, त्याग की, प्यार की, प्रेम की, स्नेह की, ठीक है, एक मूर्ति होती है, ठीक है। माँ का नाम लेने से आपके अंदर जो भाव आते हैं, जो फीलिंग आती है, वो है आर्किटाइप, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या, आर्किटाइप। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस मेड ऑफ यूनिवर्सल आइडियाज, जो हमारे सामूहिक अचेतन होते हैं, ये कैसे बनते हैं, यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं, उनके थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्किटाइप में भी इन्होंने कुछ चीज़ों को बताया है, किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है, ठीक है। आर्किटाइप में इन्होंने पहला इंक्लूड किया है परसोना को। परसोना का मीनिंग होता है मास्क। द मास्क और परसोना रिप्रेजेंट द रोल डेट सोसाइटी असाइन टू ए पर्सन, ठीक है। तो परसोना की यहाँ पर बात की है, परसोना इज ए मास्क विच वी बियर टू मीट द सोशल रोल्स एंड कन्वेंशन इन द सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर जो मास्क होता है, ठीक है, मास्क की जो बात की गई है, सीधा सीधा मतलब यहाँ पर क्या है, नकाब होता है जिसे नाटक करने वाले ए ड्रामा में जो करेक्टर होते हैं अपने मुंह पर रखते हैं और लोगों के सामने डिफरेंट टाइप्स के करेक्टर को पेश करते हैं। तो इंग ने या जुंग ने परसोना आदि रूप, जो परसोना आर्किटाइप है, उसका यूज इसी रूप में किया है। इंग के अकॉर्डिंग परसोना से तात्पर्य क्या है, व्यक्ति के उस रूप या भूमिका से होता है जो उसके वास्तविक रूप या उसका जो रियल रूप है भूमिका से सर्वथा भिन्न होता है। फॉर एग्जांपल आपका सोसाइटी में कोई रोल और है, लेकिन हम सोसाइटी की को देखकर सोसाइटी की नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग अपने रूप को चेंज कर लेते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, तो वो परसोना होता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने डेली लाइफ में या अपने ज़िंदगी में विभिन्न तरह की भूमिकाएँ, विभिन्न तरह के रोल को प्ले करता है। उसको सफलता प्राप्त करने के लिए कई टाइप्स के रोल्स को प्ले करना होता है, तो इसको इन्होंने कहा है परसोना, ठीक है। जो परसोना भी इन्होंने बताया बहुत ज़्यादा उपयोगी, बहुत ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट है। इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, कुछ आपके पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति होता है वो ये समझने की भूल करता है कि परसोना ही व्यक्ति का वास्तविक रूप होता है। आपका जो बिहेवियर है किसी के सामने, अगर वो आपके रियलिटी को मानते हैं, रियल बिहेवियर मानते हैं, तो वो क्या होता है, वो वहाँ पर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर उस कंडीशन के नीड के अकॉर्डिंग है। हो सकता है वो कंडीशन कंप्लीट होने के बाद में आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। आप एक ऐसे कंडीशन में गए, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, क्यों, वहाँ पर आप जनता को, सोसाइटी को, समाज को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपैथी वाले बन जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कंडीशन चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई और आपका बिहेवियर एकदम उल्टा हो गया वहाँ पर, तो क्या है, तो वो आपका रोल कुछ और होगा और व्यक्ति वहाँ आपको कुछ और समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, परसोना वो है जो एक तरह से दूसरे व्यक्तियों को धोखा भी देता है, या एक हम उसको यो भी मान सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को अपने प्रभाव में भी लेता है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर एनिमा और एनिमस, ठीक है, एनिमा और एनिमस। देखो सिगमंड फ्रायड में एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था आपका, ठीक है, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स था। अब यहाँ पर जुंग ने दिया है एनिमा और एनिमस। तो एनिमा क्या होता है, मैन हैज़ एनिमा कॉन्स्टिट्यूट फेमिनाइन एट्रीब्यूट, किसी पुरुष के अंदर महिलाओं के जो गुण होते हैं, महिलाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको कहा जाता है एनिमा। किसी महिला के अंदर जो पुरुषत्व के गुण होते हैं, उस मैस्कुलाइन साइड होती है, उसको कहा जाता है एनिमस, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमा एंड एनिमस रिकग्नाइज द बायोसेक्सुअलिटी, मतलब ये बाइपोलर है, ठीक है,
एनीमिया का मतलब है, यंग का मतलब मनुष्य एक उभयलिंगी प्राणी है, बाइसेक्सुअल है, उसके बिहेवियर में जो हमारा मैस्कुलाइन ठीक है साइड है वो भी रहती है और फेमिनाइन साइड भी रहती है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि हमको तरह तरह के बिहेवियर करने होते हैं। तो यहाँ पर यंग ने माना कि ह्यूमन बीइंग एक बाइसेक्सुअल प्राणी है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए मैन हैज़ एनिमा विच कॉन्स्टिट्यूट द फेमिनाइन एट्रीब्यूट एंड व्यूमन हैज़ एन एनिमस विच रिप्रेजेंट हर मैस्कुलाइन साइड, इट इंडिकेट दैट बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक आर फाउंड इन मैन एंड वुमेन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्जुन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्केटाइप ऑफ एनिमा एनिमस आर एट्रीब्यूट टू द रेशियल एक्सपीरियंसिस ऑफ द सेक्सेस विथ ईच अदर, द मैन लिविंग विद वुमेन फ्रॉम टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सोसाइटी में हमको रहना है, ठीक है, सोसाइटी में मैन को भी रहना है वुमेन को भी रहना है, तो हर मैन के अंदर वुमेन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और कुछ वुमेन्स के अंदर कुछ मैंस के भी क्वालिटी होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या, एनिमा और एनिमल्स। और ये यहाँ पर जो क्वालिटी हैं आपकी, कौन सी, एनिमा और एनिमल्स की, ये किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है, जो क्वालिटीज़ होती है ये हमको एडजस्टमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, ह्यूमैनिटी को जीवित रखने में भी बहुत ज़्यादा आगे जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यंग ने सबसे अधिक किस बात पर बल डाला था कि एनिमा एनिमस दो ऐसे आर्केटाइप हैं, दो ऐसे आदि रूप हैं जिनकी अभिव्यक्ति अनिवार्य है, या कहने का मतलब पुरुषों द्वारा, ठीक है, जो स्त्रियों के गुणों को प्रदर्शित किया जाता है या उनकी अभिव्यक्ति की जाती है, या स्त्रियों के द्वारा पुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति की जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी पर्सनालिटी वो बाइपोलर है, वो मेल फीमेल दोनों के एट्रीब्यूट को लेकर आगे बढ़ती है। इसके बाद थर्ड है इनका आर्केटाइप शैडो, द आर्केटाइप ऑफ शैडो इंक्लूड एनिमल इंस्टिंक्ट, यहाँ पर जो हमारा आदि रूप है इसकी तुलना की गई इड के द्वारा, ठीक है, ये हमारी पशु वाली मूल प्रवृत्ति है, ठीक है, डेट मैन हैज इनहेरिटेड फ्रॉम लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ इट इज एनिमल साइड, इसके अंदर पशु वाली एक प्रवृत्ति जग जाती है जो कि हमारे किस में थी, इड में थी, ठीक है। और जो हमारा एनिमा और एनिमस वाला है, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं इन द मॉडर्न सोसाइटी द आर्केटाइप ऑफ एनिमा एनिमस आर इन एक्शन, आप देखते होंगे कि मॉडर्न सोसाइटी में हमारा जो आर्केटाइप है एनिमा एनिमस वाला आपको देखने को मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बॉय बियर्स फेमिनाइन ड्रेस एंड गर्ल्स बियर मस्कुलाइन ड्रेस, बॉयज एंड गर्ल्स आर आइडेंटिफाइंग विद द मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स इन ड्रेस, अदर एक्टिविटीज ऑफ लाइफ जो होती हैं वो इससे प्रभावित रहती हैं। अब अगला आगे आपको शैडो यहाँ पर, तो ये क्या है, सिगमंड फ्रायड के इड वाले कॉन्सेप्ट की तरह है, ठीक है, एक ऐसा आपका आदि रूप है, शैडो एक ऐसा आर्केटाइप है जो हमारे एनिमल साइड या जो हमारी डार्क साइड होता है उसकी बात यहाँ पर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर शैडो क्या होता है, छाया एक ऐसा आदि रूप है या शैडो एक ऐसा आर्केटाइप है, ठीक है, इसमें वो इच्छाएं होती हैं जो समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं, जिसमें इमोरलिटी होती है, जो एबल्स होते हैं हमारे, ठीक है, या वो हमारी पर्सनालिटी का वो डार्क साइड होता है जिसके गुणों को सोसाइटी अप्रूवल नहीं देती है, यहाँ तक कि दूसरे जो व्यक्ति होते हैं अपने अंदर इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है, अतः व्यक्ति की जो एनिमल साइड होती है, व्यक्ति का जो तुच्छपना होता है यहाँ पर, ठीक है, इसका जो प्रभाव है वो सिगमंड फ्रायड की इड से मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यंग ने ये भी स्पष्ट किया है, जो हमारा शैडो होता है इसमें केवल आपत्तिजनक और अनैतिक इच्छाएं नहीं होती, इसके साथ साथ में क्रिएटिविटी भी होती है, वाइटलिटी भी होती है, और इसी प्रकार जो शैडो आर्किटाइप है आपका की वजह से किसी भी चीज़ का पूर्णता दमन कर दिया जाता है, तो क्या होता है, परिस्थिति जो हमारी होती है हमारे अकॉर्डिंग डल और जीवन रहित या लाइफलेस हो जाती है, मतलब कुछ ऐसे हमारी डिज़ायर होती हैं, कुछ हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, अगर उनको हम पूरी तरह से उनको रिप्रेस और सप्रेस कर दें तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा नीरस हो जाती है और हमारी लाइफ लेस
कोई एम नहीं रह जाता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता और आपकी पर्सनालिटी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा था, जुंग ने क्या कहा था कि ईगो के द्वारा जो हमारा ईगो है उसका कार्य क्या होता है कि जो हमारा शैडो होता है, शैडो आर्केटाइप या छाया आदि रूप होता है, उसके बलों को, उसके जो फोर्सेस है उनको कंट्रोल करे, उनको राइट वे में मोल्ड करे, जिससे जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, जो जानवरों वाली मूल प्रवृत्ति हैं, उनको रिप्रेस किया जाए, ठीक है, उनको दबाया जाए और उन मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति की जाए, उन बेसिक इंस्टिंक्ट को आगे बढ़ाया जाए जो क्रिएटिविटी हमको प्रदान करे, सृजनात्मकता हमको प्रदान करे या हमको राइट वे में लेकर जाए या हमको पॉजिटिव एनर्जी दे वहाँ पर। ठीक है, अगला इन्होंने दिया है यहाँ पर सेल्फ, अगला कॉन्सेप्ट क्या है सेल्फ का, जिसमें कहते हैं आत्मना। जुंग की थ्योरी का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सेल्फ गिव्स यूनिटी एंड स्टेबिलिटी टू पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, ही स्टेट दैट ओनली रियल एडवेंचर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है युंग के सिद्धांत में जो सेल्फ आर्किटाइप है ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने बात की है यूनिटी की, पर्सनालिटी की, ठीक है, होलनेस की यहाँ पर बात की है, इंटीग्रेशन की बात की है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है उसका एक लक्ष्य होता है, जिंदगी का एक अंतिम लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक टाइप के वर्क को करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्केटाइप है हमारा कौन सा, सेल्फ। ठीक है, तो इसके थ्रू हम अपनी लाइफ को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। आत्मना मतलब सेल्फ, जो व्यक्ति का एक मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है और आपके आगे पीछे ही सारी चीज़ें घूमती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आप को जान लेते हैं कौन सी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए नेगेटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं उनको अपना लेना है, जो नेगेटिव है उनको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, इनको हम लोग क्या कर लेंगे, अपना लेंगे और जो डार्क साइडें होंगी उनको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो जो हमारा यहाँ पर सेल्फ है, जो सेल्फ आर्किटाइप है, ये व्यक्ति में जन्म के साथ ही उत्पन्न होता है, परंतु इसको जो रियलिटी है, इसकी जो रियल एक्सप्रेशन है वो मिडल एज में आती है। युंग के अनुसार जो ट्रांजिशनल हमारा पीरियड होता है वहाँ पर हमको फुल रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, क्या हमारे वीक जोन है, क्या हमारी स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सी हमारी अच्छी आदतें हैं, कौन सी हमारी बुरी आदतें हैं, अच्छी आदतों को हमको आगे बढ़ाना है, बैड हैबिट को हमको सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड कर देना है। इसके बाद में अगला हमारा है फोर्थ, एटीट्यूड एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है मनोवृत्ति एवं कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एटीट्यूड और फंक्शन की बात की है। युंग के अनुसार जो हमारा मन होता है, जो साइकी होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, पहला एटीट्यूड, दूसरा फंक्शन। एटीट्यूड में इन्होंने बताया है दो प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं, एक इंट्रोवर्जन, दूसरा एक्स्ट्रावर्जन, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। ये क्या है आपके, ये एटीट्यूड है, ठीक है, मनोवृत्ति। तो यहाँ पर क्या है, युंग एक पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने दोनों जो हमारे एटीट्यूड है उनकी बात की है। तो इन्होंने बात की जो हमारा पहला कौन सा, इंट्रोवर्जन। ठीक है, जो इंट्रोवर्जन है हमारा, इसमें क्या होता है, इंट्रोवर्जन में उन व्यक्ति को शामिल किया जाता है, उन मेंटल साइकिक एनर्जी का प्रभाव किया जाता है या उनको एक्सप्लेन किया जाता है जो व्यक्ति की आंतरिक दुनिया का प्रत्यक्षण करते हैं। व्यक्ति बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाता है। और जो हमारा एक्स्ट्रोवर्जन है, ये व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होता है, जो एटीट्यूड होता है, बिल्कुल विपरीत होता है, ये बाहरी दुनिया में, ठीक है, की ओर ज़्यादा झुका हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कुछ हमारे फंक्शन होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन आपके होते हैं जुंग के अनुसार जो सिद्धांत में इन्होंने चार मेन फंक्शन को माना है, कौन कौन से, पहला है आपका संवेदन, सेंसेशन, दूसरा थिंकिंग, तीसरा फीलिंग, चौथा इंट्यूशन। सेंसेशन में क्या होता है, इससे हमको पता चलता है कौन सा स्टिमुलस, ठीक है, या कौन सी वस्तु हमारे लिए है, कैसे हम उसको फील करते हैं, कैसे हम उस चीज़ को जान पाते हैं। ठीक है, या कोई वस्तु क्या है, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को जब देखते हैं, जब हम सेंसेशन अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं तभी हम उन चीज़ों को जान पाते हैं कि वो चीज़ क्या है वहाँ पर, कोई स्टिमुलस है, वो चीज़ क्या है वहाँ पर। थिंकिंग, इसके द्वारा जो हम चीज़ को जान पाएँ, जिस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया है
उसको हम उसके बारे में थिंकिंग करके उसके मीनिंग को पहचानते हैं, उस चीज़ के बारे में पहचानते हैं। भाव या फीलिंग, फीलिंग का मतलब क्या होता है, इस कार्य के द्वारा जो कोई भी पर्सन होता है, कोई भी इंडिविजुअल होता है, वो अपने इमोशनल जो एक्टिविटी होती है, जो इमोशनल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको रिवील करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं और कोई दुखद समाचार सुनते हैं तो आपके मुंह से एक सीधा सा वर्ड निकलता है कि ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, तो ये क्या फीलिंग है। अगर आप देखते हैं किसी के यहाँ कोई खुशी होती है, कोई हैप्पी मोमेंट होता है, कोई जॉली मोमेंट होता है, तो आप वहाँ पर कहते हैं ये जानकर मुझे अत्यंत खुशी हुई, या मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारी क्या ये फीलिंग होती है। अगला हमारा इंट्यूशन, इसके द्वारा जो पर्सन होते हैं अपने आसपास जो लोग रहते हैं, जो एक्टिविटी रहती है, उनके ज्ञान को प्राप्त करता है, और वो ये चीज़ों को नहीं समझ पाता है ये ज्ञान किस तरह हो पाया है, लेकिन वो ज्ञान उसको हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने चार प्रकार के रेशनल फंक्शन को बताया है, ठीक है। अगला है आपका साइकोलॉजिकल टाइप। यहाँ पर जुंग ने आठ प्रकार के, ठीक है, यहाँ पर जुंग ने आठ प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है, ठीक है। आठ प्रकार कौन से हैं, ये आठ प्रकार आपके इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन में हैं। जो चार हैं आपके कौन से, इंट्रोवर्जन सेंसेशन, इंट्रोवर्जन थिंकिंग, इंट्रोवर्जन फीलिंग, इंट्रोवर्जन इंट्यूशन। इधर आप दूसरी साइड आपकी आ जाएगी, यहाँ पर दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर यही वाली सेम, यहाँ पर आपकी हो जाएगी एक्स्ट्रावर्जन सेंसेशन, एक्स्ट्रावर्जन थिंकिंग, एक्स्ट्रावर्जन फीलिंग, एक्स्ट्रावर्जन इंट्यूशन। तो यहाँ पर जो पहला वाला है आपका इंट्रोवर्जन, ठीक है, पहला जो आपका इंट्रोवर्जन है आपका कौन सा, सेंसेशन, ठीक है। तो इंट्रोवर्जन सेंसेशन में क्या होता है, यहाँ पर वो व्यक्ति होते हैं जिनका बिहेवियर इंट्रोवर्ट होता है, इनके अंदर जो गुण पाया जाता है वो पूरा अंतर्मुखता वाला होता है, उनका जो स्वरूप होता है इरेशनल होता है। ऐसे लोग अपने आसपास में जो इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं उनसे अलग रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग भीतर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के साथ में ये ध्यान केंद्रित करने वाले भी होते हैं, लेकिन ये अपने इंट्यूटिव को, अपने ज्ञान को अपने अंदर ही रिप्रेस्ड कर लेते हैं, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका इंट्रोवर्जन थिंकिंग। जब हम इंट्रोवर्जन थिंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये उस तरह के व्यक्ति होते हैं, किस तरह के, दूसरे व्यक्तियों के साथ में बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, अपने विचारों को, अपने भाव को क्या करते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग जो निर्णय लेते हैं वो दूसरे के ऊपर ज़्यादा इम्पेसिस रहता है, दूसरे से प्रेरित होकर लेकर लेते हैं। इनके अंदर प्रैक्टिकल जजमेंट की एबिलिटी बहुत कम होती है। आप लोगों ने देखा होगा डेली लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी किसी भी टाइप की किसी भी थॉट को, किसी भी चीज़ को बहुत ईजीली एक्सप्रेस कर देते हैं। कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है और वो ईजीली अपने थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तीसरा है आपका इंट्रोवर्जन फीलिंग, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाता है अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी भाव प्रकार। यहाँ पर उस तरह के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो पर्सनालिटी होते हैं इनके अंदर जो थिंकिंग होती है उसको ये क्या करते हैं, रिप्रेस करते हैं। ये अन्य लोगों के लिए, ठीक है, सामने वाले के लिए ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी होते हैं, और इनके बारे में आइडिया लगाना बहुत ज़्यादा टिपिकल मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा विनम्र रहते हैं, मोडिस्टी होते हैं, परंतु वे दूसरे के विचार, दूसरे के भाव को बहुत कम प्रधानता देते हैं, अपने विचारों को ही प्रधानता देते हैं। अगला है आपका इंट्रोवर्जन इंट्यूशन, ठीक है, जिसको हम कहेंगे अंतर्मुखी अंतर्ज्ञानी प्रकार। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं क्या होते हैं, इनके जो पर्सनालिटी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान या अपने इंट्यूशन पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित किए रहते हैं कि वास्तविकता से इनका संपर्क बहुत दूर रह जाता है। एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, ठीक है, उसी में विचरण करते हैं, मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, और लोगों को ये सही से समझ भी नहीं पाते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग प्रायः बहुत ज़्यादा साई नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माने वाले होते हैं। इसके बाद में हम एक्स्ट्रा वर्जन वाले साइड की बात कर लेते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन सेंसेशन, ठीक है। पहला आपका बहिर्मुखी प्रत्यक्षण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है,
संवेदी प्रकार या बहिर्मुखी संवेदी प्रकार, इस तरह के जो पर्सनालिटी होते हैं बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं और हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन करना, नए नए सेंसेस को डेवलप करना, ठीक है। और इनके अंदर इनका जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा जॉली, बहुत ज़्यादा जॉयफुल होता है। तो यहाँ पर आपने इंट्रोवर्शन वाली जो क्वालिटी थी ठीक उल्टा कर देंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रावर्शन में हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जंग ने स्टेजेस दी हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, चार स्टेजेस दी हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको हम बहुत माइनर समझेंगे। पहला चाइल्डहुड दिया है, चाइल्डहुड को यहाँ पर इन्होंने माना है कि क्या माना है, इस स्टेज को माना है उगता हुआ सूर्य, राइजिंग सन। यहाँ पर इन्होंने माना है कि उगते हुए सूर्य में अंतःशक्ति पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या होता है ब्रिलियंस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो बाल्यावस्था होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतःशक्ति छिपी होती है, बहुत ज़्यादा इननेट पावर्स होती हैं, परंतु कॉन्शियसनेस हमारा डेवलप नहीं होता है। उसके जैसे ही डेवलप होता है तो हमारी एबिलिटी बढ़ती जाती हैं। दूसरा यंग एडल्टहुड है यहाँ पर स्टेज आपकी। तो यहाँ पर क्या होता है, तरुणावस्था है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा पर्सनालिटी एक निश्चित शेप प्राप्त कर लेता है, किस तरह से हमको एडजस्ट करना है, किस तरह से हमको कंट्रोल करना है, कौन कौन से किस तरह से हमको एजुकेशन पूरा करना है, कैसे व्यवसाय प्रारंभ करना है, ऑक्यूपेशन आपको चूज़ करना है, इस तरह की एक्टिविटीज़ रहती। मिडिल एज में यहाँ पर 35 से 40 साल के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होते हैं, हमारी ज़िंदगी का तीसरा पहर होते हैं, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर रहता है हमारा ओल्ड एज, ठीक है, जिसको ज़िंदगी की शाम भी कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य का चमकीलापन जो होता है, जो ब्राइटनेस होती है, जो ब्रिलियंस होता है, बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से इन्होंने चार भागों में जो स्टेजेस को डिफाइन किया है। तो इस वीडियो में हमने जंग के या एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में जाना है, किस तरह से ह्यूमन पर्सनालिटी स्ट्रक्ट होती है, हमने आर्केटाइप को जाना। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, डिटेल में वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू।